उत्तराखंड सरकार द्वारा देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड खत्म करने के उपलक्ष्य में गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने आज संस्कृत विद्यालय से काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव पूजा के साथ मणिकर्णिका घाट में गंगा आरती के साथ विशाल धन्यवाद रैली का आयोजन किया। इस अवसर पर गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष रावल हरीश सिमाल ने बताया कि जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार ने उनकी मांगों के अनुरूप इस बोर्ड को भंग किया है, चार धाम मंदिर समिति एवं पंडा समाज उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करता है। साथ ही गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने सुरवर्णियम स्वामी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का धन्यवाद किया। उत्तरकाशी से दीपक नडियाल की रिपोर्ट। देवस्थानम बोर्ड भंग होने की खुशी में गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित ने जो आज यहाँ पे एक विशाल विजय यात्रा निकाली है, जो कि एक विश्वनाथ संस्कृत विद्यालय से होके काशी विश्वनाथ मंदिर पे जो है भगवान शिव का अभिषेक किया गया, उसके बाद जो है मणिकर्णिका घाट पे माँ गंगा की आरती के साथ जो है इससे यात्रा का जो है ब्रह्म दिया गया। और साथ में ही गंगा पुरोहितों का कहना है कि सरकार द्वारा जो है ये जो अन्य मंदिर हैं सरकार द्वारा अधिकृत किए गए हैं, अब इसके लिए मुहिम चलाएंगे ताकि जो है जो मंदिर है वो जो है इन मतलब मंदिर समिति के हवाले हो। दीपक नोटल, दैनिक भास्कर न्यूज़, उत्तरकाशी। के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, उत्तराखंड की धर्म पारायण सरकार है जो सत्य सनातन पर चल रही है, और उन्होंने सनातन के प्रति जो आस्था दिखाई उसके लिए हम सब यहाँ पर तीर्थ पुरोहित और चारों धाम के तीर्थ पुरोहित जो हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस विजय यात्रा के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसमें सर्वप्रथम जो है तत्कालीन माननीय तीरथ जी, उसके पंचायत जो हैं हमारे जो हैं माननीय धामी जी यहाँ पर आए और उन्होंने ये चार धाम का जो एक्ट है इसको रद्द कर दिया। इस प्रकार से केंद्र में आदरणीय बलूनी जी ने इसके लिए प्रयास किया, आदरणीय यहाँ टिहरी की जो सांसद हैं माला राजलक्ष्मी शाह जी उन्होंने प्रयत्न किया और सभी। अब मैं ये कहता हूँ कि जो शीर्ष नेतृत्व तो जो माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय अमित जी के मार्गदर्शन में और माननीय नड्डा जी ने, क्योंकि ये किसी प्रकार की मैं सभी इसके अतिरिक्त जिन भी राजनैतिक दलों ने विभिन्न राजनैतिक दल हैं और यहाँ क्षेत्र की जो जनता ने जनप्रतिनिधियों ने सबने हमारा जो है वो साथ दिया और आज हम इस विजय यात्रा के माध्यम से पुनः आप सभी लोगों के आभारी हैं। आप सभी आने वाले समय में इस देश को जो सत्य सनातन पर चलता है, आज धर्म संसद भी पूज्य जो कि हमारे रामानुजाचार्य जी हैं इस देश में चल रही है, विभिन्न संत और विभिन्न जो हमारे इस देश के शंकराचार्यों को उन्होंने वहां पर आमंत्रित कर रखा है, श्री पांच मंदिर समिति को भी बुलाया गया था, लेकिन हमारी ये यात्रा के माध्यम से मुझे आप सबका आभार व्यक्त करना था। आप सभी को गंगा मैया की ओर से शुभकामनाएं। देखिए, हमारा चार धाम बोर्ड का जो एक्ट था वो समाप्त कर दिया पुष्कर सिंह धामी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, हम उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं कि वो दिनों दिन अपने राजनीतिक क्षेत्र में दिन दुनिया रात चौगुनी बढ़े, ये गंगा माँ से हमारी प्रार्थना है। इसके साथ ही अनिल बलूनी जी, तमाम जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के कार्यक्रम में हमने संस्कृत महाविद्यालय से लेकर के विश्वनाथ की पूजा और गंगा आरती से लेकर के अभी हम अपने धर्मशाले में बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसके लिए कि हम अपने इस सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। नाम क्या लिख दीजिए? बद्री प्रसाद सेमवाल, रिटायर्ड एरिया ऑर्गेनाइजर SSB रावल तीर्थपुर गंगोत्री।